कि पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो उसमें हम एक चीज बता रहे थे कि सपोज करो कोई वेक्टर ए है, ये है 10 न्यूटन ईस्ट, क्या है ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ये कितना है 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड परिमाण, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए कैप, और वह वेक्टर ए अपॉन ए, वेक्टर क्या है 10 न्यूटन ईस्ट बोलो अपॉन 10 न्यूटन कट गया, क्या बचा ईस्ट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैथमेटिकली ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये क्या है, ये ईस्ट बचा ना, यानी ए कैप क्या दे रहा है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या देता है डायरेक्शन। हम चर्चा किए थे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन देखने दिख रहा है फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, सदिश का कार्तीय निरूपण, सदिश का कार्तीय निरूपण। तो सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है, क्या नाम है आपका, अच्छा मान लीजिए साक्षी है बेचारी, यहां खड़ी है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो 50 है, क्या है 50 है बोलो, तो जरा इसका पोजीशन वेक्टर बताओ क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट ए, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए ये आर वन है या आर ए लिख दो, आर ए, तो आर ए बराबर क्या होगा बताओ, इधर देखो ये 5 यूनिट है, 50 मतलब यहां से ओरिजिन से कितना यूनिट है 5 यूनिट, 5 यूनिट है ना, अब बताओ एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट को, अगर एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट मैग्नीट्यूड ले ले तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से भाई, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर, तो 5 i कैप होगा बोलो भाई, प्लस 0 j कैप, ध्यान दो। सपोज करो फिर साक्षी यहां से घूमते घूमते यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई इस पॉइंट बी पर, पता चला ये इसका जो है ये 3 है ये 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ भैया 4 3 हुआ कि नहीं, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना चल रही है ये 4 यूनिट और वाई डायरेक्शन कितना चल रही है 3 यूनिट, तो आर बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिए आर बी बराबर क्या होगा 4 i कैप प्लस 5 j कैप, 4 यूनिट एक्स डायरेक्शन में बोलो भाई और 3 यूनिट वाई डायरेक्शन हुआ, अच्छा चलिए ठीक है। मान लीजिए साक्षी जादू जानती है, क्या ये यहां से ठीक इसी के ऊपर, ध्यान दो यहां आकर के खड़ी हो गई, यहां ऐसे हवा में कहां आ गई, जरा पेन दो भाई, जो इसका थर्ड एक्सिस ऐसे होता है, ध्यान दो पाली, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऐसे होता है, तो इस हवा में तो हम जेड एक्सिस बना नहीं सकते, खींच तो रहा हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
इसको हम आई से बना देते हैं क्या, जेड एक्सिस, ठीक है। पता चला साक्षी यहां पर है। अब यहां से ये दूरी नापा हमने साक्षी का, ये वाली दूरी कितना आया, मान लो 7 यूनिट, कितना आया, 7 यूनिट आया, किसके अलोंग, किसका, जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर ये पॉइंट सी है, सी पर अगर ये आ गई है यहां पर, तो आर सी क्या हो जाएगा, 4i कैप, क्योंकि बी के ठीक ऊपर है, प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। दीज आर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसे अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो इसको, तो वेक्टर a इज इक्वल टू क्या, ax i कैप, x अक्ष के अनुदिश घटक, प्लस ay j कैप, प्लस az k कैप, ओके। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या करेंगे, सेम वैसे जैसे दो का निकाल रहे थे, अंडर रूट ax² प्लस ay² प्लस az² ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि आई जे के तीनों हो, आई कैप जे कैप के कैप तीनों हो, यह भी कार्टेशियन फॉर्म है, यह भी कार्टेशियन फॉर्म है, यह भी कार्टेशियन फॉर्म है, ओके, एनी प्रॉब्लम। और एक बात बताना चाहूंगा आगे, कि जो कंपोनेंट होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि केवल x एक्सिस के अनुदिश, y एक्सिस के अनुदिश और z एक्सिस के अनुदिश हो। पहले का दो क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद फिर नोट करेंगे, क्या इसको नोट करिए जल्दी से। यहां देखो ये 3 लिए ना, 5 पास लिख गए यार, 3 j कैप होगा, क्या 3 j कैप, सर वहीं खड़े रहिए, दिख नहीं रहा। चलो, अंजलि मूव्स 4 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 3 यूनिट इन, या 3 मीटर इन, 3 मीटर इन वाई डायरेक्शन, राइट इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो मैं लिख रहा हूं, इधर देखो, अंजलि वेक्टर हो गई, क्या हो गई, वेक्टर हो गई, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव की, 4i कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में 3j, समझ गए ना कैसे लिखा जाता है वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में। चलो ये क्वेश्चन और ले रहा हूं, ए वेक्टर हैज, ए क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड 3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन 4 यूनिट इन माइनस वाई डायरेक्शन एंड 2 यूनिट इन जेड डायरेक्शन, राइट इट इट इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। चलो तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, क्या 3i कैप, बोलो 4 यूनिट इन माइनस वाई डायरेक्शन माइनस 4j कैप, 2 यूनिट इन जेड डायरेक्शन 2k कैप, एनी प्रॉब्लम, नोट प्लीज। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल 60 डिग्री टू होरिजेंटल इफ इट्स वेलोसिटी इज 200 किलोमीटर पर आवर
calculate its component along x axis and y axis. How I यार यू उड़ी ऐसे यू 36 से 60 डिग्री के एंगल पर समझ में आया. ये हो गया आपका 36 का मतलब यक्ष डायरेक्शन. क्या यक्ष डायरेक्शन. और आपकी हवाई जहाज यू उड़ गई, उड़ी कितना एंगल बनाई 60 डिग्री का. बोलो भाई, अगर आपको याद है जिधर थीटा उधर कॉस ना, और ये क्या हो गया आपका वाई डायरेक्शन ना. कंपोनेंट या वी एक्स का तो क्या, यहाँ वी बराबर दिया गया है कितना 200 किलोमीटर पर आवर हुआ. तो वी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, वी एक्स बराबर बताओ ना वी कॉस थीटा कॉस 60. वी कितना है 200, कॉस 60 का मान 1/2 बराबर 100 किलोमीटर पर आवर. ओके अच्छा चलो, ये वी वाई है तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा बोलो, वी साइन 60 200 गुड़े अंडर रूट 3/2 बराबर 100 अंडर रूट 3 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया, नोट इट प्लीज. एक बात जान लीजिए कि जो वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं वो केवल एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ही नहीं होते, वो अन्य डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. मैंने एक यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन आनत तल बनाया है. क्या बनाया है, आनत तल. इस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक. इसका वेट कहाँ काम करेगा बेटा, इसका मास m है. अगर मास क्या है, m है mg, तो इधर कार्य करेगा, ठीक. और इसका जो एक कंपोनेंट होगा वह इंक्लाइंड प्लेन के अनुदिश होगा. आनत समतल क्या होगा, अनुदिश. और एक इसके परपेंडिकुलर होगा. होगा कि नहीं बेटा बोलो. अच्छा ठीक है, अब जरा इस ट्रायंगल इसको पूरा करो, इसको पूरा करो. ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, ये थीटा है. ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा कितना है 90, ये कितना हो गया थीटा. हुआ कि नहीं बता दो पहले. अरे पूरा दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना, लंबवत ना है, इनके बीच का एंगल कितना है 90, और यह भी 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ये पूरा कितना है 90, ये एंगल कितना जाएगा थीटा. अब बताओ ये अब इधर थीटा लगा है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये एम जी कॉस थीटा. ये कौन सा कंपोनेंट है, ये एम जी साइन थीटा. अब जरा देखो वेक्टर हमारा ऐसे था, बोलो ऐसे था ना. एक कंपोनेंट हमने लिया इधर, ये क्या हुआ, ये इसी को मैं उतार रहा हूं यहां पर एम जी साइन थीटा. एक कंपोनेंट था हमारा इधर, क्या थीटा एंगल बना रहा था एम जी कॉस थीटा. अब बताओ ये एक्स डायरेक्शन है कि वाई डायरेक्शन में, नहीं है ना. तो वेक्टर के कंपोनेंट जो हैं केवल एक्स डायरेक्शन हो वाई डायरेक्शन में हो ऐसा नहीं है, ठीक है. किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, किसी भी दिशा में हो सकते हैं. कंपोनेंट माने घटक, कंपोनेंट मीन्स घटक. तो कंपोनेंट इसका किसी भी दिशा में हो सकता है. बनाएंगे इसको जल्दी से बना लीजिए. तो चलिए, ए मैन रोज ए बोट विथ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन.
एक आदमी एक नाव को 18 किमी प्रति घंटा की चाल से नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम तो ये होगा बेटा ना, ऐसे नाव को ले जा रहा है। बोलो भाई ए वी बराबर कितना है 18 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? क्लियर है? और क्या कह रहा है, जो किनारा है नदी का वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ, वेस्ट से साउथ, वेस्ट से साउथ, ये वेस्ट से साउथ, साउथ जा रहा है ना, वेस्ट से साउथ कितना बना रहा है। और ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये एंगल कितना होगा 45। अरे कॉर्नर पर कितना एंगल बनेगा 45 ना। अब इसको हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, क्या है ये सोर लाइन, समझ गए। अब इसके दो कंपोनेंट्स, अब ये एंगल कितना हुआ बेटा, टोटल एंगल कितना हुआ ये 60 डिग्री हुआ कि नहीं। अब हमको क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट्स लेने हैं, करा है एलोंग एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द सोर लाइन। सुनिए, ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोर्ड एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द सोर लाइन। इसका मतलब कि इसका ये कंपोनेंट बेटा तो ये हो जाएगा एलोंग मतलब किनारा के अनुदिश, बोलो, और दूसरा इसके लंबवत होगा, दूसरा क्या होगा इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत बता बेटा कितना होगा 60 तो है ही, ये 30 बन जाएगा यार 60 30। ये दो कंपोनेंट आपके हो गए। अब बताओ जिससे जिससे यह 60 डिग्री का बना रहा है वह क्या होगा वी कॉस 60 क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा जो जो परपेंडिकुलर है वी साइन 60, जिसके साथ ये एंगल बना रहा है वो तो कॉस होगा ना, हैं? तो कंपोनेंट कंपोनेंट एलोंग क्या सोर लाइन दिख रहा है जी वीडियो में, क्या हो जाएगा ये बराबर वी कॉस 60। वी कितना है 18 गुणे कॉस 60 है, कमान 1/2 बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। कंपोनेंट एलोंग नहीं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू सोर लाइन, टू सोर लाइन, सोर लाइन के लंबवत, लंबवत क्या हो जाएगा बेटा वी साइन 60। वी कितना है 18 अंडर रूट 3 अपॉन 2 दोनों 18 9 रूट 3 किलोमीटर पर आवर, समझा। अब बताओ ये दोनों जो कंपोनेंट है कोई एक्स या वाई डायरेक्शन में है क्या, नहीं है ना, समझ में आया। किसी वेक्टर के कंपोनेंट केवल एक्स और वाई डायरेक्शन में ही नहीं होते, अन्य डायरेक्शन में भी होते हैं, अन्य दिशाओं में भी होते हैं।